नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मुद्दा गर्मा गया है। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के बारे में खुफिया जानकारी होने के बाद भी पंजाब पुलिस ने ब्लू बुक का पालन नहीं किया। जावेद हबीब अपने सैलून के साथ साथ काफी प्रसिद्ध हेयर स्टाइलिस्ट भी है, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए उनके एक वीडियो में विवाद में वो घिरते जा रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर ने उनके बॉयकॉट तक की मांग उठा दी है। दरअसल जावेद हबीब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनको एक सेमिनार में सबके सामने महिला के बालों के ऊपर थूकते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके ट्रोलिंग की शुरुआत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक राज्य का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति किसी अन्य राज्य में प्रवास के क्रम में रोजगार, शिक्षा या भूमि आवंटन में समान लाभ का दावा नहीं कर सकता है। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के 2011 के आदेश के खिलाफ भादर राम की अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसी व्यक्ति से संबंधित जमीन बिक्री राजस्थान किराएदारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन था। बढ़ते कोविड 19 के मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन राज्यों की लिस्ट साझा की है जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और गुजरात शामिल है, जहां कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। देश के 28 जिलों में 10% से अधिक वीकली पॉजिटिविटी रेट है। पिछले एक हफ्ते में 65% मामले संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और स्पेन से सामने आए हैं। 4 जनवरी को वैश्विक स्तर पर 25.2 लाख मामले दर्ज किए गए हैं, जो महामारी के शुरुआत के बाद से अब तक के सबसे अधिक मामले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुधवार को पंजाब दौरे के वक्त सुरक्षा में हुई चूक पर जहां एक तरफ गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में चरणजीत सिंह सरकार एक्शन में है। पंजाब सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है। ये कमेटी 3 दिन में अपना रिपोर्ट पेश करेगी। कोरोना के साथ साथ बिहार भीषण शीतलहर के चपेट में है। बिहार के सभी जिलों में लगातार कोल्ड डे कंडीशन का बना हुआ है और कड़ाके की सर्दी के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार से 7 जनवरी तक के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान सूरज देवता के दर्शन होने की उम्मीद ना के बराबर है। देश में एक बार फिर से कोरोना का कहर बरस रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमाम तरह की पाबंदियां लागू की जा चुकी है। इसी बीच सीमा सुरक्षा बल ने भी कोरोना की रोकथाम के लिए अटारी में भारत पाकिस्तान सीमा पर दैनिक फ्लैग रिट्रीट समारोह में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। देश में कोरोना ने एक बार फिर से कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़े के अनुसार देश में 56% तेजी के साथ 90,928 नए मरीज सामने आए हैं और 325 लोगों की जान चली गई है। इससे पहले बुधवार को 58,000 मामले सामने आए थे। इस सबके बीच चिंता करने वाली बात यह है कि देश में कुल सक्रिय मामले बढ़कर अब 2,85,401 हो गए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90,928 केस सामने आए हैं। देश में बुधवार की तुलना में 56.5% ज्यादा केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कोरोना की इस तीसरी लहर में बड़ी संख्या में डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पटना, चंडीगढ़, लखनऊ और पटियाला में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। देश में अब तक 1,000 से ज्यादा डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ संक्रमित हो चुके हैं। पंजाब में बुधवार को फिरोजपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली सुरक्षा कारणों से रद्द होने पर पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रतिक्रिया दी है। बरनाला में एक रैली के दौरान सिद्धू ने कहा कि रैली में लोग ही नहीं पहुंचे थे, कुर्सियां खाली पड़ी थी। सुरक्षा में चूक का मामला ध्यान भटकाने के लिए उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे किसान भी दिल्ली के बॉर्डरों पर 13 महीने बैठे रहे थे। सरकारी कंपनियों में विनिवेश और उन्हें निजी हाथों में सौंपने की केंद्र की मोदी सरकार की नीति साल 2022 में भी चालू रहेगी। मोदी सरकार ने इसके लिए अपना नया लक्ष्य भी तय कर लिया है। वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने 36 सरकारी कंपनियों को बेचने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए विनिवेश विभाग ने नए साल के पहले सप्ताह में ही अपनी योजना स्पष्ट कर दी है। विनिवेश विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे कहते हैं कि हम कई सरकारी कंपनियों की बिक्री पर विचार कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि साल के अंत तक ये पूरा हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में करीब 2700 करोड़ रुपए की लागत में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है और कहा है कि इससे क्षेत्र में आवाजाही ज्यादा सुगम होगी। पंजाब में हुई घटना के बाद पीएम नरेंद्र मोदी काफी नाराज है। उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी पर हमला करते हुए कहा है कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं एयरपोर्ट जिंदा लौट पाया। बताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी भटिंडा हवाई अड्डा वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने अधिकारियों को यह संदेश दिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री चन्नी पर हमला बोला था। पीएम मोदी ने कहा था कि अपने सीएम को थैंक्स कहना, मैं भटिंडा एयरपोर्ट पर जिंदा लौट आया।
असंगठित क्षेत्र के कामगारों को विभिन्न प्रकार की मदद के लिए सरकार एक फंड की स्थापना करने जा रही है। आगामी बजट में इस फंड की विस्तृत घोषणा हो सकती है। वहीं ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को जल्द ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े अस्पताल की ओपीडी सुविधा मिल सकती है। ओमिक्रॉन की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन की स्थिति में भी ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को सहायता दी जा सकती है। देश में कोरोना की तीसरी लहर तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं मंत्रियों में कोरोना संक्रमण का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मेरी कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने खुद को पूरी तरह आइसोलेट कर लिया है। मेरे संपर्क में आए लोगों से निवेदन है कि सतर्कता बरतते हुए जरूरी कदम उठाए। भारत 2026 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में चीन को पछाड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि भारत में 2017 से 2021 के बीच इथेनॉल की मांग 3 गुना बढ़कर पिछले कैलेंडर वर्ष में 3 करोड़ लीटर तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत अब सरकार ने कोसी क्षेत्र में गौ बकरी मुर्गी और सुअर पालन हेतु बड़ा बड़ा यूनिट लगाने का निर्णय लिया है। इससे पशुपालकों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा लाभुकों को अनुदान भी दिया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक पर चिंता प्रकट की है। वो जल्द ही पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति दोपहर को पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर राजनीतिक तूफान फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें, सुरक्षा में हुई चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तैयार है, जहां कल मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो पंजाब सरकार को याचिका की कॉपी सौंपे। उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन और राजस्व बोर्ड ने राजस्व लेखाकार भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत 8,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी। परीक्षा के लिए उम्मीदवार 7 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस बीच परीक्षा के लिए सिलेबस और दूसरी अहम जानकारियां भी जारी कर दी गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच एक्सपर्ट्स ने बर्ड फ्लू को लेकर के चेतावनी दी है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि एशिया और यूरोप में बर्ड फ्लू की एक से ज्यादा वेरिएंट होने की वजह से इसमें इंसानों में फैलने का अधिक खतरा है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक मोनिक एलोइट ने कहा है कि इस बार स्थिति अधिक कठिन और अधिक जोखिम भरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक से अधिक वेरिएंट सामने आए हैं, जिससे उन पर काबू करना कठिन हो गया है। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली पहली कार इंडिया पहुंच चुकी है। यही नहीं, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसकी सवारी भी करेंगे। बताया जा रहा है कि एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि दिल्ली पहुंचते ही वो ग्रीन हाइड्रोजन चलित कार कंपनियों से बात करेंगे, साथ ही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की भी रूपरेखा तैयार करेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य में वीवीआईपी कल्चर खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुरक्षा देने वाली समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की सुरक्षा में कटौती करने का फैसला किया है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। पिछले 7 दिन में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़े हैं। इसके साथ ही पाबंदियों का दौर भी लौट आया है और कई राज्य नाइट कर्फ्यू लगा चुके हैं। इन सब का असर लोगों की खरीदारी के ट्रेंड पर पड़ा है और फिर से बाजार में पैनिक बाइंग का दौर देखने को मिल रहा है। स्टोर्स, शेल्फ और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जरूरी सामान गायब होने लगे हैं। ओमिक्रॉन में सामान्य सर्दी जुकाम जैसे लक्षण होने की खबरों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को चेताते हुए कहा है कि वो सामान्य जुकाम नहीं है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एनालिसिस के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 सबसे आम लक्षण खांसी, थकान, रक्त का जमाव और नाक बहना है। यूके आधारित एक हालिया अध्ययन ने इस श्रेणी में बतली और भूख न लगने को भी जोड़ा है। इस महंगाई के दौर में रतन टाटा की एविएशन कंपनी 1,000 रुपए से कम में हवाई यात्रा करने का मौका दे रही है। जी हां, रतन टाटा की विस्तारा एयरलाइन ने 48 घंटों की स्पेशल सेल ऑफर की है। विस्तारा ने अपनी 7वीं एनिवर्सरी के मौके पर किराए में छूट ऑफर की है। कंपनी ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल नेटवर्क पर स्पेशल फेयर की घोषणा की है। घरेलू हवाई उड़ान का किराया इकोनॉमी क्लास के लिए 977 से शुरू होकर 2,670 रुपए तक है। ओडिशा सरकार ने बुधवार को राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने की घोषणा की है। 7 जनवरी से ये नियम लागू होंगे। कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल और कॉलेज 1 फरवरी तक राज्य में बंद रहेंगे। राज्य के साथ साथ देश में भी कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सभी शारीरिक कक्षाओं को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। शेयर बाजार पर भी ओमिक्रॉन का असर दिखाई दे रहा है। वैश्विक बाजार में नकारात्मक रुख और HDFC, इंफोसिस और TCS के शेयरों के नुकसान में जाने के साथ ही बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में BSE सेंसेक्स में करीब 450 अंक की गिरावट आई। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला सूचकांक 489.89 अंक या 0.81% की गिरावट के साथ 59,733.26 पर पहुंच गया।
आज इटली के अमृतसर आई एयर इंडिया की फ्लाइट में 100 यात्री कोरोना संक्रमित निकलने से हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक सभी यात्री को अभी टेस्ट जारी किया गया है। विमान के कुल 182 यात्री इसमें सवार थे। अगर आपने कोरोना वैक्सीन का कोवैक्सीन टीका लगवाया है तो खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने घोषणा की है कि कोवैक्सीन का इंजेक्शन लगाने के बाद पैरासिटामोल या पेन किलर की खुराक की जरूरत नहीं है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सोनम कुशवाहा, बिहारी गुरुजी, विकास कुमार, नीरज कुमार, रवीश कुमार, अजहर खान, शंकर मुखिया, भागेलु शाह, बेबी सिंह, अमृता सिंह, रोशन जमाल आलम, अदिति सिंह, छोटू कुमार यादव, सत्यानंद कुमार शाह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार ओमिक्रॉन के बढ़ रहे मामलों के बीच क्या आपके आसपास लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करना शुरू कर दिया है या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।